हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मटर में लग गए हैं फूल, लेकिन बारिश नहीं हुई है इसलिए हम आज मटर में पानी डाल रहे हैं। तो मैं अपने खेत पर आई हुई हूँ और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मटर में किस तरह से फूल लगे हैं और आज का मौसम कैसा है। तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहिए और चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं मटर के पौधों में कुछ इस तरह से फूल आ गए हैं। अब कुछ ही समय पश्चात इसमें मटर भी आना शुरू हो जाएंगी और अब इसे ज़रूरत है पानी की, इसलिए मम्मी यहाँ पर मटरों में पानी डाल रही है, झोल रही है मटर को। पहाड़ी भाषा में झोलना कहते हैं। ये है मम्मी। अब यहाँ पर हल्की हल्की धूप आती हुई, तो मम्मी इस बार मटर कैसी होगी? बहुत अच्छी होगी इस बार। मम्मी तो कह रही है इस बार मटर अच्छी होगी, लेकिन देखना यह है कि बारिश पड़ गई तो अच्छी होगी, बारिश नहीं पड़ी तो बीज भी असल नहीं होगा। हाँ, तो दोस्तों देख सकते हैं कि किसानों की जो यहाँ पर जिंदगी है वो सिर्फ खेती पर ही निर्भर करती है, और लेकिन बारिश ना आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हमको यहाँ पर सहना पड़ता है। मम्मी मज़े आ रहे नहीं आ रहे? अभी तो झोलने में मज़े आ रहे हैं, लेकिन जब मटर ज़्यादा अच्छी हो जाए तब तो मज़ा आएगा ना। हाँ, ये तो है। और यहाँ पर कुछ दूरी पर बैठे हैं पापा। पापा चाय पी ली? पापा यहाँ पर चाय का मज़ा ले रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे खेतों का सीन। पिछले कुछ दिनों में यहाँ फूल लगे हुए थे, लेकिन अब फूल झड़ के पत्तियाँ आ गई हैं पेड़ों पर। आप देख सकते हैं खेतों की हालत कुछ इस तरह से, बारिश ना होने के कारण काफ़ी बुरा लग रहा है देख करके। बस भगवान जी से यही प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी बारिश हो और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली हो। यहाँ पर हमने मटर की सिंचाई कर दी है, तो कुछ इस तरह से मटर के पौधे ज़मीन पर गिर जैसा गए हैं, लेकिन फिर ये खुद अपने आप खड़े हो जाएंगे। लगभग लगभग 3-4 क्यारियाँ यहाँ पर झोल दी है मटर की। तो मम्मी थक तो नहीं गए? नहीं, क्यों नहीं थकी। तो मम्मी लोगों को तो रोज़ की आदत भी है, मम्मी लोग काफ़ी काम करते हैं, सुबह जंगल जाते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर उसके बाद फिर जंगल जाते हैं, फिर आते हैं, फिर खाना खाते हैं, फिर सीधे खेतों पर आते हैं। तो पहाड़ों में जो महिलाओं का जीवन है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन है, पूरे दिन काम ही करते रहते हैं। तो यहाँ पर मम्मी से जानते हैं कि पहाड़ों में महिलाओं का जीवन कैसा है। तो मम्मी आप क्या कहेंगी? पहाड़ में तो सड़िया जीवन होते है भल से, पहाड़ बराबर खुशी कहीं मिले नहीं। फिलहाल में सड़ी जानी से उसी का भदूरी जानी, पहाड़ में सब अपने माँ बाप है, कहीं ले जाओ बादले भूल जाओ, सब बादले बता देनी। फिलहाल में मलिया बात बताया तली गए बतूनी, पहाड़ में ठंडी ठंडी हावले मिले, ठंडा ठंडे पहाड़ मिलू, फिर जो दस पानी मिले, देश में किसू देश में नमकीन जो करो नमक डाल लो उस पानी मिले। तो मम्मी ने यहाँ अपनी पूरी स्पीच तैयार कर रखी है लगता है, लेकिन मज़ा आ रहा है मम्मी के मुंह से सुनने में, और पहाड़ी सुनने भी मज़ा आ रहा है। दिल्ली जानो बोली। हाँ, नाम सुन मेरे उनका बताए भल लागो, उस आदमी कहे जाए दिल्ली से, हम दिल्ली से जो ना हम भले हजूर, हम दिल्ली में हमको चीज़ें मिलल खानू हवाई जहाज में जो उड़ून दिल्ली जाना जी होता है खुशी नहीं। जब जानी दिल्ली 4 दिन वहाँ दिल्ली में रूनी
फिर दिल्ली में आबे फिर पता लागू फिर कुनी दे तहबे रे हम पहाड़े भलसी। तो अब मम्मी थक चुकी हैं, अब कमान पापा ने संभाल ली है, तो चलिए थोड़ा पापा से भी गप सप मार ही लेते हैं। तो पापा शुरू हो गए आप? ओ मारा शुरू है रूप है, काम है रो खेती में मटर सुख नहीं पड़ा, बड़ा मुश्किल है, व्यवस्था कर दिए ना निहार कर दिए मशीन ला रही हूँ कहाँ अड़ गया। तो यहाँ पर हमारा पाइप फंस चुका है पेड़ों पर, कितनी ज़्यादा कठिनाइयाँ हो रही हैं आप देख सकते हैं। और पापा इस बार की मटर कैसी होगी, क्या कहेंगे आप? अब मटर वाली पाँच छुटने पर एक आधा बारिश होनी है, भरा हूँ अब देखो पे अपनी तरफ पर लाने की कोशिश में दी हुई है वसूल हिला लो, लागत बहुत छू आजकल खेती पहाड़ी में, लेकिन हर चीज़ महंगाई का है, बीज महंगाई से पानी को ऐसे हरो अपनी मेहनत को पूछना। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा कठिन है पहाड़ों की ज़िंदगी, आसान नहीं है, आप देख सकते हैं पूरा दिन मेहनत करके यहाँ पर पापा मम्मी लगे रहते हैं, फिर भी जा कर के यहाँ पर खेतों का हाल आप देख ही सकते हैं, काफ़ी भाग पर यहाँ पर मटर सूख चुकी है और कुछ ही मात्रा में यहाँ पर मटर के पौधे हैं। तो अगर यह भी बारिश हो जाएगी या इस पानी डालने से अगर यह भी सही से हो जाए, यह भी हमारे लिए काफ़ी है। तो देख सकते हैं किसानों की मेहनत आप यहाँ पर, यह हर गांव में हर किसानों की ही कहानी है। तो दोस्तों आप मेरे पैर देख सकते हैं कीचड़ से भर चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर है अमेरिकन आड़ू, और यह आड़ू काफ़ी जल्दी हो जाता है, इसीलिए इसमें काफ़ी जल्दी फूल भी आ जाते हैं, और अभी इसमें छोटे छोटे दाने आ गए हैं आप देख सकते हैं, और यह मई लास्ट में हो जाएगा। लेकिन दोस्तों बारिश ना होने की वजह से इस पेड़ में आप देख सकते हैं इसकी पत्तियाँ जो हैं उसमें कोड़ लग गया है, पत्तियाँ अंदर को मुड़ गई हैं आप देख सकते हैं। पापा से बोला हमने यहाँ पर हम आपकी फ़ोटो खींचते हैं, तो पापा भाग गए और मम्मी तो लग गई अपने काम में और पापा यहाँ से भाग गए।